हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी सुवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। और बहुत ही अच्छे तरीके से गदर ने अपना जो स्टैंड बनाया बॉक्स ऑफिस के ऊपर, बहुत अच्छा लगा और पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और कुछ लोगों ने उसको क्रिंज बोला, कुछ बोला, लेकिन जब पब्लिक को मन में आ जाता तो कुछ लोगों के बोलने से कुछ होता नहीं। तो गदर 2 जो है बहुत बड़ा बिजनेस करके 521.60 करोड़, यानी ये 521.60 करोड़ रुपए के आसपास ये पहुंच गई है। तो बहुत अच्छी बात है। 521 अगर हिंदी में बताऊं तो 521 करोड़ 60 लाख पे पहुंच गई, अगर प्रिसाइज नंबर अगर हम इसका बात करें तो। अब इसको जो पठान का रिकॉर्ड तोड़ना था वो था 524.5 करोड़ रुपीज के आसपास। उसको तोड़ने के लिए अभी भी काफी मंजिल थोड़ी सी दूर है, लगभग लगभग 3 करोड़ रुपए दूर है या 2.9 करोड़ रुपीज दूर है। तो क्या ये 2.9 करोड़ की जर्नी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, कि इसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है? तो अभी ऑफ लेटली क्या हुआ है कि Z5 ने अनाउंस कर दिया कि हम 6 अक्टूबर को गदर 2 जो है वो रिलीज कर देंगे। और अगर वो इस दिन को ये रिलीज कर देते हैं तो आपके पास टोटल मिला के 9 दिन 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक होते हैं, जो कि सितंबर के होते हैं, और 5 होते हैं आपके पास अक्टूबर के, तो हो गए 14 दिन। और मुझे लगता है कि जो मूवी का जो एवरेज होगा वो 15 से 20 लाख रुपए डेली होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर ये 20 होता है, 15 की जगह 20 होता है, तो ये 2.8 करोड़ रुपीस कर लेगा। और 2.8 करोड़ रुपीस के आसपास का मतलब है कि ये लगभग लगभग पठान के आसपास पहुंच जाएगा। फ्यू लैक्स हेयर एंड देयर ओटीटी पे रिलीज होने के बावजूद भी थिएटर्स में फिर भी कहीं किसी के सेंटर में लगी रहेगी, अल्टीमेटली उसका रिकॉर्ड तोड़ देगी। एक दिन आपको न्यूज आएगी कि जी तोड़ दिया। लेकिन अगर ये 15 लाख की एवरेज बना पाता है, क्योंकि अब इस सैटरडे संडे के बाद अगर ये ड्रॉप आता है और बिल्कुल ही 15 लाख 10 लाख 8 लाख उस पर उतर आता है, तो फिर इसका जो कलेक्शन होगा हायर साइड पे आने वाले 14 दिन में होगा 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए का मतलब है कि ये पहुंचेगी 523 यानी 523 करोड़ रुपए 60 लाख रुपए के ऊपर के आसपास, तो विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 90 लाख शॉर्ट ऑफ पठान रिकॉर्ड। तो ये टच एंड गो होगा आने वाले जितने भी ये 14 दिन है, जितना चुक वाला मामला होने वाला है। कौन जीतेगा भगवान जानता है, लेकिन जीत जाए जो भी अच्छी बात है। पहले नंबर पे तो ऑलरेडी जवान आ चुकी है, सेकंड नंबर के ऊपर पठान है, थर्ड नंबर के इस टाइम पे आपकी गदर 2 है। तो गदर 2 के पास चांस है कि वो नंबर 2 पे आ सकती है। और अगर छोटी मोटी अच्छी प्रमोशन चला दी, कोई 1-on-1 फ्री या ऐसा करके कुछ कर दिया है इन्होंने, तो शायद थोड़ा सा जंप मिल सकता है। ऑल विल ऑल्सो डिपेंड कि द ग्रेट इंडियन फैमिली किस तरीके की जाती है। लेकिन 28 के बाद ठीक ठाक स्क्रीन्स जो हैं फुकरे को भी मिलेंगे, क्योंकि वो एक सीक्वल है और पहले की दोनों मूवीज जो हैं उसकी दोनों हिट थी, ये तीसरा भाग है। आपको क्या लगता है कि क्या पठान का रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा जब गदर 2 से? कमेंट करके जरूर बताना। और जो लोग भी सभ्यता के दायरे में कमेंट नहीं करते हैं, मैं उसको रिप्लाई भी करता था, तो मैं हर एक को ही करता हूँ। अब मैंने डिसाइड किया है कि उनको मैं डिलीट ही कर दूंगा, क्योंकि फिर खून जलता है और फिर बाकी लोग भी आपस में लड़ पड़ते हैं। और हमें ये जो पूरा चैनल है इसको बहुत ही क्लीन रखना है, पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन के लिए रखना है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ये होता है कि ज्यादा पिंग पोंग करोगे मेरे से या फिर किसी और से, वो अल्टीमेटली क्या होता है कि कहीं ना कहीं फिर आदमी का गुस्सा निकल ही आता है। तो उससे दूर रहने का है, मैं डिलीट ही कर दूंगा। मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, रीड करते करते डिलीट करना पड़ेगा, किसी को ब्लॉक करना पड़ेगा, मैं कर दूंगा, ठीक है जी। बाकी क्वेश्चन यही है कि गदर 2 क्या पठान 2 का रिकॉर्ड, पठान का रिकॉर्ड थोड़ी थोड़ी पठान 2 भी आएगी वैसे कभी ना कभी। तो बाय बाय।